नमस्कार, मैं हूँ अनारा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी। और आज हम बात करेंगे मेरी आने वाली फिल्म दिल तोड़ा प्यार में पागल हो गई के बारे में। दिल तोड़ा प्यार में पागल हो गई बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, जिस फिल्म के लिए एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि जिस फिल्म में सब चीज़ें हो, एक पैकेज वाला जो मसाला होता है वो इस फिल्म में है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसमें सोम यादव जो है हीरो फिल्म के, वो पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं और मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके, क्योंकि मैंने पहली बार बहुत ही चुलबुला, बहुत ही शरारती, एग्रेसिव, मारपीट, मतलब बहुत ही मिक्स रूप है इस फिल्म में मेरा। तो आई एम सो एक्साइटेड इस फिल्म के लिए। आई थिंक ये ऐसी फिल्म है जिसकी हर एक गाना इतना ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है और हर फिल्म, हर गाने की एक अपना लुक है, उस पे एक्ट्रेस बहुत ही खर्चीले गाने तो है। आई थिंक भोजपुरी के सबसे एक्सपेंसिव सॉन्ग होंगे, जब आप इसको ऑन स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चलेगा। जो लुक है गानों का वो बिल्कुल भी कहीं से भी भोजपुरी नहीं है, एकदम हिंदी के जो आपको पुराने जो 80s में जो आपको फ्लेवर मिलता था वो नज़र आएगा इन गानों में। और म्यूज़िक बहुत बेहतरीन है, मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि जो हमारी आज की जनरेशन है उसे इस फिल्म के म्यूजिक बहुत पसंद आएगा। देखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेफिनेटली, उनके बिना तो किसी भी फिल्म की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डायरेक्टर जो है वो फिल्म के कैप्टन होते हैं और जो नींव रखता है वो प्रोड्यूसर रखता है। तो इकबाल जी बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्म वो पहले से बनाते आ रहे हैं और ये फिल्म भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। और प्रोड्यूसर भी डेफिनेटली जो K9 एंटरटेनमेंट है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फाइनली हमारी फिल्म जो है इस अप्रैल में रिलीज़ हो रही है बिहार। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए और मैं प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाए और जो हमारे सोम यादव है इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं उसे इस फिल्म से बहुत बेनिफिट हो। ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और बहुत मसालेदार फिल्म है और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमारी जनता है उसे फिल्म पसंद आए, उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए फिल्म बनाई गई है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जाइए अप्रैल में, 21 अप्रैल को बिहार रिलीज़ हो रही है, तो अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाकर इस फिल्म को देखिए और अपना ढेर सारा प्यार इस फिल्म को दीजिए और ढेर सारे लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब जाके इस फिल्म को देखें। प्लैनेट भोजपुरी।